नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें, इस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार गिरावट देखी जा रही है और कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत $70 से भी नीचे आ चुकी है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पे लगातार हमलावर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इतनी सस्ती हो जाने के बाद सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें कम नहीं कर रही है। आपको बता दें, एक्सपर्ट का मानना है कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पे 1 अप्रैल 2023 से बड़ी राहत मिल सकती है और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे पहले आपको बता दें, गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, जबकि आपको बता दें तेल कंपनियों ने अपनी ओर से करीब 11 महीने से भी ज्यादा का समय होने जा रहा है, लगभग एक साल पूरी होने वाली है, और तेल कंपनियों ने अपनी तरफ से पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया। जबकि आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या है और डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या वैल्यू है, इस आधार पर तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल, डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं। लेकिन करीब एक साल होने को है जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं किया है। आपको बता दें, आखिरी बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर बदलाव 6 अप्रैल 2022 को किया था। जब आपको बता दें, उस टाइम पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल दोनों की ही कीमतों पर बढ़ोतरी की थी। उसके बाद आपको बता दें, 21 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर लगने वाले अपने टैक्स पर कटौती की थी, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल की कीमतें सस्ती हो गई थी। और आपको बता दें, 21 मई से आज तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में स्थिर बनी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से सरकार और तेल कंपनियों पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर इतनी बड़ी गिरावट हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कटौती क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,141 रुपए प्रति सिलेंडर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपए प्रति सिलेंडर है। बिहार की राजधानी पटना में आज एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,201 रुपए प्रति सिलेंडर है, जबकि झारखंड की राजधानी रांची में आज एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,161 रुपए प्रति सिलेंडर है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आज एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,131 रुपए प्रति सिलेंडर है, जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,122 रुपए प्रति सिलेंडर है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।